हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपने नए वाले घर में बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ पा रहा, कुछ दिक्कत है इसलिए नहीं आ पा रहा था। तो आज मैं अपने न्यू वाले घर पर आया हुआ हूँ, मतलब कि मैं उसमें थोड़ा रिनोवेट करा चुका हूँ चीज़ें, थोड़ा स्टूडियो की लुक आने लगी है, तो आपको वो दिखाते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पीछे मेरा स्टूडियो है और मैंने ही ये खुद अपने हाथों से बनाया है। तो आपको चलिए दिखाते हैं आगे चल के। तो ये मैं इंटर हो चुका हूँ स्टूडियो के अंदर। तो सामने की वॉल पर आपको वाइट बोर्ड दिख रहा होगा बड़ा सा, जिसमें मैंने कुछ वीडियो के ही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो सब काम आती हैं। और ये एक स्टैंड रखा है, ये ड्राइंग स्टैंड है, इस पर ड्राइंग बनाई जा सकती है। और एक वॉल ये पेंटिंग की गई है, और एक वॉल पर यूट्यूब लिखा हुआ है और नीचे एक फ़ोटो फ्रेम लगा है, देखिए भुवन बम जी की। तो कितनी ही प्यारी लग रही है, कमेंट कर मुझको ज़रूर बताइए। और एक ये आपको दिख रहा होगा पांडा, ये मैंने ही बनाया हुआ है फैब्रिक कलर से, तो ये भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इस वॉल पर आपको एक पेंटिंग देखने को मिल जाती है, और ऊपर की साइड एक लाइट लगी हुई है, और नीचे एक सोफ़ा रखा है और एक टेबल रखी है। सामने की तरफ एक टेबल फैन रखा हुआ है, और आपको दिखाते हैं आप और यहाँ पर क्या क्या सामान रखा हुआ है मेरा। तो कुछ ऐसा स्टूडियो अभी इस टाइम लग रहा है। और एक ये ट्राईपॉड रखा है जिसमें रिंग लाइट लगी है, जो कि सामने की तरफ फोकस करती है। और ऐसा कुछ अपना स्टूडियो दिखने में लग रहा है अभी, और ऊपर एक लाइट लगी हुई है। और अभी आपको दिखाते हैं, ये अपनी एक ड्राइंग रखी हुई है जो कि मैंने अभी खोल कर रखी थी, और इसको अभी बंद करते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। चलिए इसको बंद कर दिया। यहाँ पर ये देखिए मेरा बोया का माइक रखा हुआ है, बोया कंपनी का माइक है। और इसका ये देखिए यहाँ पर केस भी रखा है, मतलब खोल देखिए लिखा बोया। एक स्केल रखा हुआ मेरा, और ये देखिए मैंने खुद बनाया है गणपति पप्पा जी के स्टैंड, ये देखिए गणपति पप्पा जी हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पेंसिल्स, हर एक चीज़ इसमें रखी हुई है, ब्रशेस, सब ब्रशेस रखी हुई हैं, आपको ये सब दिख रही होंगी। और वाइट बोर्ड के 3 मार्कर रखे हुए हैं, ये वाइट बोर्ड है, इसका मार्कर है 3, ब्लैक, ग्रीन, रेड, और ये ब्लैक कलर की इसकी इंक है। और ये कॉटन बर्ड्स का डिब्बा रखा हुआ है, और ये एक वायरो सील्ड वाइप्स हैं। और ये देखिए मेकअप ब्रश रखे हुए हैं, मेकअप ब्रश से शेडिंग करने के काम आते हैं। तो इसको पहले जैसे ही थे वैसे ही सेटिंग से रखते जाते हैं, और मैकेनिकल पेंसिल इसमें रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर रखे हैं चारकोल पेंसिल, और यहाँ पर देखिए रखा हुआ 10 रुपये का एक सिक्का, 20 रुपये थे, अभी एक कुल्फी वाला आया था रास्ते में खा लिया था, तो 10 रुपये यहाँ पर वापस रख दिए हैं। और नीचे की साइड आपको दिखाते हैं क्या क्या रखा हुआ है। नीचे की साइड मेरी एक ग्लू गन रखी हुई है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये मेरी है ग्लू गन। तो ये ग्लू गन आपको दिख रही होगी, अच्छी वर्क करती है, यहाँ से बटन स्विच ऑन ऑफ का है, और रेड लाइट जलती है, और अभी तो बहुत बढ़िया वर्क करती है ये। और नीचे की साइड आपको कलर बॉक्स, पहले इसको नीचे रख देते हैं यहाँ पर। तो कलर बॉक्स आपको दिखाते हैं कौन कौन से मेरे पास कलर रखे हुए हैं। तो नेटराज का ये देखिए पेंसिल कलर्स रखा हुआ है, तो इसको रखते हैं साइड में। और ये देखिए रखा है डॉम्स के 2 सेट रखे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी एक दो पेंसिल कम हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो फिर मुझको ये एक और सेट लाना पड़ा, इसलिए ये 2 बॉक्स रखे हुए हैं। इसको अभी फ़िलहाल के लिए नीचे रख देते हैं। और एक ये बॉक्स है, इसके अंदर आपको दिखाते हैं क्या रखी हुई हैं। इसके अंदर फैब्रिक कलर्स रखे हुए हैं, सब अलग अलग कलर के, जिनसे मैंने ये सब पेंटिंगें बनाई थी, इसके ये सब रखे हैं। 2 कैंची रखी हुई हैं इसके अंदर, इतना कुछ आइटम इसके अंदर है। इसको भी फ़िलहाल के लिए नीचे ही रख देंगे। एक और बॉक्स है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए एक ये बॉक्स है, इसको निकालते हैं। इसके अंदर मैकेनिकल पेंसिल के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ये देखिए मैकेनिकल पेंसिल की लीड है, और बॉक्स रखे हुए ये ब्लेंडिंग स्टैम्प को, कटर, फेविकॉल और पेन, कॉटन बर्ड्स, कुछ ऐसे ही सामान रखा हुआ है। इसको बंद कर देते हैं और इसको भी नीचे रख देते हैं अभी। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल। और एक और डब्बा था, ये रख दिया। ये शीशा रखा हुआ है, क्योंकि मुझको देखना पड़ता है अपना चेहरा सूट के लिए, तो कैसा लग रहे हैं हम, इसलिए ये देख सकते हैं आप मैं कैसे लग रहा हूँ।
तो फिलहाल के लिए इसको भी नीचे रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए ग्लूगन की स्टिक्स रखी हुई है मेरे पास, पूरा एक पैकेट था जिसमें 100 स्टिक्स थी, 100 में से कुछ ही स्टिक बची हैं, बाकी सब वो फिनिश हो गई है। इससे भी कुछ अच्छे से स्टैंड बन सकता है, देखिए कुछ बनाएंगे अच्छे से शोपीस देने वाले। तो अभी के लिए इतना ही कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पर, फिलहाल इतना ही कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ। पीछे की पेंटिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, देखिए ऐसे रख देते हैं फ़ोन को अपने, और आप देख सकते हैं पीछे की पेंटिंग कितनी अच्छी लग रही है, और वीडियो ऐसी अच्छी आती रहेगी। फ़िलहाल अभी के लिए ऐसी वीडियो आई, अच्छी सी वीडियो आती रहेगी, क्योंकि मैं अच्छे से अभी कुछ वर्क था इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था, मैं कहीं गया हुआ था तो इसलिए वहाँ पर वीडियो मैं बना नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मैं आया हूँ आज और कुछ ऐसा वर्क मैंने किया है, फिर आपको दिखाया भी है वीडियो के माध्यम से। तो आप लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही अच्छी वीडियो की ब्लॉगिंग आती रहेगी आपके लिए। धन्यवाद।